जयपुर के कोटखावदा के किसान महापंचायत में सचिन पायलट का पावर दिखा। सचिन पायलट के समर्थकों ने दम दिखाया। इस महापंचायत की चर्चा जयपुर से दिल्ली तक हो गई। कोटखावदा की किसान पंचायत में जुटी भीड़ और मंच पर जुटे चेहरों के बाद सचिन पायलट की भावी रणनीति भी तय हो गई है। महापंचायत के नाम पर पायलट के पावर शो आगे भी जारी रहेंगे। उनके समर्थक विधायकों ने मंच से इसकी घोषणा कर साफ कर दिया कि पायलट अब शांत नहीं बैठेंगे। पायलट के इस पॉलिटिकल पावर शो की जयपुर से लेकर दिल्ली तक चर्चाएं हो रही हैं। राजस्थान में राहुल गांधी के दौरे में की गई 4 सभाओं की तुलना पायलट की कोटखावदा महापंचायत से की गई। भीड़ के मामले में पायलट की महापंचायत राहुल की सभाओं पर भारी बताई गई। इस महापंचायत में पायलट ने खुद कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके समर्थक एक लाइन में सब कुछ बयां कर गए। सचिन पायलट ने किसान आंदोलन और कृषि कानून के अलावा कुछ नहीं बोला, लेकिन उनके समर्थक विधायक पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह वो सब कुछ बोल गए, जिसकी वजह से पायलट का सीएम अशोक गहलोत से झगड़ा है। विश्वेंद्र सिंह का ये कहना कि मेहनत करे कोई, यह अशोक गहलोत पर साफ निशाना था कि प्रदेशाध्यक्ष रहते सचिन पायलट ने मेहनत की और मुख्यमंत्री गहलोत बन गए। पायलट समर्थकों ने पायलट को मुख्यमंत्री बनाने के पक्ष में भी नारेबाजी की। पूरी महापंचायत में भीड़ पायलट से कनेक्ट दिखी। युवाओं और महिलाओं की भीड़ काफी ज्यादा थी। इस महापंचायत में पायलट समर्थकों का एग्रेसिव होना राहुल के ट्रैक्टर रैली के मंच से पायलट को उतारने की घटना का रिएक्शन माना गया। महापंचायत की सफलता ऐसे भी देखी जा रही है कि पायलट के मंच पर बगावत के समय साथ छोड़ने वाले विधायक प्रशांत बैरवा दिखे। पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नारायण सिंह के बेटे वीरेंद्र सिंह भी महापंचायत के मंच पर मौजूद रहे। जुलाई में जब पायलट ने गहलोत सरकार से बगावत की थी, तो उस वक्त प्रशांत बैरवा उनके खेमे से निकलकर गहलोत खेमे में चले गए। सचिन पायलट अब आगे भी राजनीतिक ताकत दिखाने के लिए कृषि कानूनों के विरोध में किसान महापंचायत करेंगे। आगे मारवाड़ और शेखावाटी में किसान महापंचायत करेंगे। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक पायलट ने अब विरोधी गहलोत गुट को छकाने के लिए पार्टी लाइन के भीतर ही बड़ी लाइन खींचने का फैसला कर लिया है, लेकिन इस रणनीति से टकराव बढ़ना भी तय माना जा रहा है। सचिन पायलट की रणनीति हर समर्थक विधायक के इलाके में किसान महापंचायत करने की है। ऐसे में कोटखावदा की इस महापंचायत में जुटी भीड़ सचिन पायलट का पावर दिखा रही है। माना जा रहा है कि राजस्थान में सचिन पायलट अभी भी उसी जगह हैं।